आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो हम सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री की, उससे हटके कुछ आपको समझा दूं। हालांकि अभी तक इतिहास में हमने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री को या पूरी दुनिया को देख रहे हैं और धीमे धीमे हम भारत के इतिहास पे आएंगे। लेकिन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, AIT। ये मिथ है या एक रियलिटी है? और जब से ये थ्योरी 200 साल से जब से ये थ्योरी सर्कुलेट हुई है, तब से इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जितना ज्यादा इस थ्योरी को पॉलिटिसाइज किया गया है और इस थ्योरी के बिना पे, जी हाँ सुनिएगा, इस थ्योरी के बिना पे जिस तरीके से भारतीयों को एक्सप्लॉइट किया गया, आज तक कभी भी इतना नहीं हुआ। ये थ्योरी सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में रही है, चर्चा में रही है, इस पे पॉलिटिक्स होती रही है। अब इस पे क्या पॉलिटिक्स हुई है, क्या ये मिथ है, रियलिटी है, ये मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोस्तों हाल ही में काफी चर्चा हो रही है, ठीक है। और अभी एक यूनिवर्सिटी ने फाइंडिंग्स की और उसमें कुछ चीजें सामने आई, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीज को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आर्यन इन्वेजन थ्योरी है क्या, बहुत इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है। डेफिनेटली एक एक चीज तो बतानी जरूरी भी नहीं है, ना ही वो इतना ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है और इतना ज्यादा पूछते नहीं है एंशियंट हिस्ट्री। लेकिन आपको मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा इस थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि देखिए, हिस्ट्री जो है वो स्पेक्यूलेशन है, ठीक है। हम स्पेक्यूलेट करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स को देखते हैं, हम नरकंकालों को देखते हैं, हम अवशेषों को देखते हैं, उनको स्टडी करके हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये चीज रही होगी। कोई भी श्योरिटी के साथ तो कह नहीं सकता कि क्या रहा होगा। हाँ, अगर आज को हम देखें, जैसे मान लीजिए कि आने वाले 200 सालों में, आज से 200 साल बाद जब कोई इतिहास को खंगालेगा तो उसकी उसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज से 200 साल बाद क्या है, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी है, तो हिस्ट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय हमारा प्रेजेंट जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फ्यूचर में इतिहास बनाना आसान होगा। लेकिन पहले तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था ये। अब कैसे स्टडी किया जाता है, सबसे पहले तो लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे। मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए, देखिए होता क्या है कि सबसे पहला इंसान अफ्रीका में आया। अब मैंने एंशियंट हिस्ट्री पूरी कवर की है, पालियोलिथिक नियोलिथिक वो पूरा आप देख लीजिएगा। तो इंसान कहां पे आया, अफ्रीका में। अफ्रीका से बाहर गया, पूरी दुनिया में चला गया वो, ठीक है। अफ्रीका से बाहर निकला, एक ईस्ट गया और एक वेस्ट गया, ठीक है। तो ये ग्रुप्स गए और वहां से हम देखते हैं इस आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, जो कि सबने एक्सेप्ट की है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के बाद सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। आज से 3.5 करोड़ साल पहले इंसान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पे देखते हैं दोस्तों कि ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अफ्रीका से ही शुरू हुआ। तो अफ्रीका से अगर हम देखें तो इंसान जगह जगह पे बट गया, उसके बाद सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई। पहले तो डेफिनेटली इंसान खानों को खोजता था, फूड गैदर हंटर था, फूड गैदरर था। उसके बाद फिर उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया और वहां से फिर सिविलाइजेशन धीमे धीमे ट्राइब्स बनी, ट्राइब्स के बाद फिर कम्युनिटीज बनी और उसके बाद फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। देख लीजिएगा, मेरा पूरा लेक्चर है, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग माइग्रेट करते थे, डेफिनेटली, जैसे यूरोप के हैं एशिया में आ रहे हैं, एशिया के हैं यूरोप में जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जा रहा है, कोई अमेरिका चला जा रहा है, कोई भारत आ रहा है, तो ये माइग्रेशन होता था। अब होता क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, कोई मर गया, ठीक है, उसको वहीं पे दफना दिया, फिर कहीं गए, मर गया, दफना दिया, कुछ सामान छूट गया, दफना दिया, तो ऐसे करके निशान छूटते जाते हैं, समझ रहे ना, ये सब अवशेष बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, निशान है ये। और जब आर्कियोलॉजिस्ट इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं और जब उनको ये सारी चीजें मिलती हैं, इनको फिर स्टडी करके एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले तो आर्कियोलॉजी, ठीक है, और फिर हाँ चलिए आर्कियोलॉजी, ठीक है, कि जो आपको मिला है आप उसको स्टडी करिए, कंपेयर करिए, पूरी दुनिया से कंपेयर करिए। जैसे यहां की सील्स जो है, भारत की सील्स यूरोप में भी मिली है, इसका मतलब क्या है,
कि भारत भारतीय जो है वो यूरोप तक गए होंगे, ग्रीस यूनान में मिली है वहां तक गए होंगे, तो आप समझ रहे हैं। तो दूसरी चीज लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे। देखिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अभी मैं बताऊंगा क्या है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लिंग्विस्टिक। जब यहां पे स्टडी हुई, ठीक है, फिलोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि भाषाओं में बहुत ज्यादा समानता है, मतलब यूरोपियन, पर्शियन, ग्रीक और संस्कृत, ये सारी भाषाओं में बहुत ज्यादा समानता है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कहीं से माइग्रेशन हो रहा है, मान लीजिए यूरोप से माइग्रेशन हो रहा है, वो यूरोपियन बोलते हैं, वैसे आर्यन एज में मतलब जो वैदिक एज है उसमें इंडो यूरोपियन बोली जाती थी, जो लैंग्वेज थी वो यूरोपियन बोल रहे हैं, अब वो भारत आए तो अपनी भाषा भी लेके आएंगे ना, तो ये चीज लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिशन देखी जाती है, लेकिन जो मॉडर्न चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, जेनेटिक स्टडीज, जेनेटिक स्टडी जो कि अभी मॉडर्न साइंस है और जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हालांकि हिस्टोरियंस इसको नकारते भी हैं कि खाली जेनेटिक स्टडी से पता नहीं लगाया जा सकता, तो जेनेटिक स्टडी बहुत ही ज्यादा, ये मॉडर्न साइंस है। ये क्या करती है, मान लीजिए नर कंकाल मिले, नर कंकाल हड्डियों का चूरा बनाया, उसके बाद वहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद जो निकल के आया कंपैरिजन होता है, हमारे जो जीन्स है क्या यूरोपियंस के जीन से मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वहां से माइग्रेशन हुआ होगा, ठीक है। ये कुछ स्टडीज हैं, समझ गए, बहुत ही अच्छा, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सबको समझाता चल रहा हूं। ये तो आपने समझा कि किस तरीके से हम हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है, कि इंसान यहां से यहां गया, यहां से वहां गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है क्या। देखिए विलियम जोन्स है 18th सेंचुरी में, ठीक है, आपको पता ही है कि ब्रिटिशर का कब्जा हो गया था भारत पे, विलियम जोन्स है, बड़े स्कॉलर थे, फिलोलॉजिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, यहां पे चीजों को समझना था, तो विलियम जोन्स ने बोला कि तुम पर्शियन सीखो, संस्कृत सीखो, ग्रीक सीखो, इंग्लिश तो आती ही है तुमको, सारी लैंग्वेजेस सीखो। विलियम जोन्स ने इसको पढ़ना शुरू किया, सारी लैंग्वेजेस को, जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो उनको पता चला कि सिमिलैरिटीज है लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ठीक है, वेदों को पढ़ा और हमारे हिंदुइज्म स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, फिर पर्शियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, ठीक है, तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, तो उसकी नींव विलियम जोन्स ने रख दी थी। फिर मैक्स म्यूलर है 1850 में, मैक्स म्यूलर जर्मन फिलोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यहां से आर्यंस का इन्वेजन होता है, मतलब आर्यंस कौन थे, स्टेपे रीजन जो कि यूरोप में है वहां से आए थे, ठीक है, वहां से आए थे, भारत को इन्वेड किया, एक एक वर्ड याद रखिएगा, भारत को इन्वेड किया, यानी कि वो वॉरियर्स रहे होंगे, तो वो वॉरियर्स भारत को इन्वेड किया, और यहां पे जो पहले से लोग नॉर्थ में रह रहे थे जो कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उनको खदेड़ते चले गए, खदेड़ते 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 उनको साउथ में भेज दिया, उनको द्रविडियंस बोला गया, यानी कि आर्यंस ने एक तरीके से झगड़ा करके साउथ में सबको, जो भी नॉर्थ में रह रहा था जिनको द्रविडियंस बोला जाता था वो साउथ में चले गए, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो अब यहां पे जब साउथ में चले गए तो अभी तक साउथ इंडियंस कहते हैं कि नॉर्थ पे हम हैं, नॉर्थ पे तो हमारा कब्जा है भैया, हम ही तो वहां पे रहते थे और हमको तुमने नीचे खदेड़ दिया। यहां पे नॉर्थ वाले क्या कहते हैं कि ये थ्योरी ही बकवास है, ये थ्योरी गलत है, अभी काउंटर थ्योरी पे भी आएंगे, काउंटर एग्रीमेंट्स क्या दिए गए हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि यहां पे आर्यंस इंडो यूरोपियंस थे, ये आए नॉर्थ पे, इन्होंने कब्जा किया और उसके बाद ये खदेड़ते चले गए। अब जब ये आए तो अपने साथ क्या क्या लेके आए, अपनी भाषा लेके आए, लैंग्वेज लेके आए, कंपैरिजन मैंने अभी आपको बताया था, अपनी भाषा लेके आए, अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, रथ लेके आए, याद रखिएगा रथ लेके आए, घोड़े लेके आए, हॉर्स लेके आए, संस्कृत भाषा लेके आए, वेदों को भी लिखा इन लोगों ने जो कि हिंदुइज्म से बिल्कुल भिन्न है, जो यहां पे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं और जो हिस्टोरियंस अभी मॉडर्न हिस्टोरियन बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये है आर्यन इन्वेजन थ्योरी कि आर्यंस ने इन्वेड किया। अब इससे ये सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, फिर मॉर्टन व्हीलर आए, उन्होंने भी सपोर्ट किया, हालांकि आपको बता दो मैक्स म्यूलर को विलन मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्स म्यूलर कभी भी ये नहीं चाहते थे इसका गलत इस्तेमाल हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, हिस्ट्री आप स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था,
बाद में उन्होंने इस इन्वेजन वर्ड को बाद में बहुत ही एहतियात बरता कि मुझे ये ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। और बाद में उन्होंने बोला कि मैंने लिंग्विस्टिक के हिसाब से खाली बोला था, ठीक है। फिर मॉर्टन व्हीलर है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सही बैठाया, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था 1920 तक, ठीक है, 1920 तक सब कुछ सही चल रहा था। 1857 में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता ही है, 1857 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब 1850s में लॉर्ड डलहौजी जब आए, तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो आए थे उन्होंने रेलवे का मतलब उदय कर दिया था, रेलवे इंट्रोड्यूस हो गया था भारत में। रेलवे बनाने के लिए ईंटे पत्थर चाहिए थे, पाकिस्तान की एक जगह से जब ईंटे पत्थर उठाए शहर निकल आया, वहां से शहर निकल आया, इतने सारे शहर निकले एक के बाद एक, और फाइनली 1922 में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय हो गया, फाउंड हो गया ये कि एक यहां पे कोई सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इतने सारे शहर जहां पे खोद दो वहां पे शहर निकल रहा है, ये तो कमाल हो गया। 1922 जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय होता है, मतलब उस थ्योरी का, और ये बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो यहां पे ब्रिटिशर को डेफिनेटली एक झटका लगता है, ठीक है। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत ही जबरदस्त सिविलाइजेशन थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हाईली अर्बनाइज्ड, उस समय जो चार ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी, सब पे मेरा सेपरेट लेक्चर है आप देख लीजिएगा, उनमें सबसे बेहतरीन थी। यहां पे कोई राजा महाराजा नहीं था, हर जगह तो मोनार्की थी ना, यहां पे कोई राजा महाराजा नहीं था। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 3300 BC से लेकर 1900 BC, ठीक है। अब इसके डिविजन पे हम नहीं जाएंगे, वो सब मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा, ये पूरा फ्लरिश हुई। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हुआ, किसी भी सिविलाइजेशन का एंड जो है वो इसी से ही होता है, क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। फिर उसके बाद 1500 BC में, अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी की माने तो 1500 BC में आर्यंस ने वही स्टेपे से यहां पे आए, आक्रमण किया और उसके बाद खदेड़ना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने वेद लिखे, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है, इन्होंने वेद लिखे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 तक, उसके बाद 1000 से 600 तक BC की बात कर रहा हूं, लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड में ही हम देखते हैं वर्ण सिस्टम आ गया, मतलब कास्ट डिवाइड हो गई। वैसे आपको बता दूं कि आर्यंस को कास्ट के भी रूप में देखा जाता है, कि जो शुरू की तीन कास्ट है वो आर्यंस हैं, ठीक है, जो इन्वेडर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर एज ऑफ महाजनपद, ठीक है, 600 के बाद एज ऑफ महाजनपद, 16 महाजनपद थी ना, और उसके बाद फिर मौर्यन एम्पायर आ गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब देखिए ये आप समझ गए, बहुत बढ़िया, ये थ्योरी को आज भी माना जाता है और बहुत लोग इसको डिस्कार्ड कर चुके हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सच नहीं है, पूरी तरीके से सच नहीं है। ये सच क्यों नहीं है, सबसे पहले एक चीज समझिए, कॉलोनियल रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिशर भारत में आए, ब्रिटिशर को किसी तरह उन्होंने ये सीधा बोलना शुरू कर दिया कि आपका कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। फिर यहां पे क्या हो रहा था, नया एजुकेशन सिस्टम, मैक्योले आ गए थे 1833 में, उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो एजुकेशन सिस्टम क्या था कि भैया भारत की जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है वो हटाओ, सब बकवास, नया साइंस इंट्रोड्यूस करो, इंग्लिश इंट्रोड्यूस करो, वेस्टर्नाइज कर दिया था एक तरीके से। क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे, वो अपने हिसाब से एजुकेशन को प्रोपोगेट करने लगे, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने लगे। 1833 के बाद से, मैक्योले कमीशन के बाद से भारत का जो इतिहास है वो धुंधला पड़ने लगा, ठीक है। भारत एक बहुत बड़ा देश, उसको रूल करना है, आप कैसे रूल करेंगे, ऐसे तो रूल करेंगे नहीं, आप दब के रहें, ऐसे तो रूल होता नहीं है, कहीं पे भी जाएंगे आप दब के रहेंगे, आप रूल तो कर नहीं पाएंगे, आपको ताकतवर होना पड़ेगा। ताकतवर होने के लिए क्या चाहिए, वीक पॉइंट पकड़ लो किसी का, वीक पॉइंट पकड़ने के लिए क्या चाहिए, पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा उसके बारे में स्टडी करो जिससे तुम इसको दबा सको। दबाने के लिए क्या चाहिए, सिंपल, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। अब क्रिटिसाइज करने के लिए क्या चाहिए, आपका कल्चर। तो उन्होंने क्या बोला, आपका कल्चर बकवास है और एक्चुअली में आपने कुछ किया ही नहीं, हमने किया है, हम यहां पे आए आर्यंस बन के, हम यहां पे आए, हमने आपको सब कुछ दिया, हमने सिखाया, हमने वेद लिखे, हमने संस्कृत, सब कुछ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्यों ये बोला जाता है, ये तर्क दिए जाते हैं ताकि वो रूल कर सके, कॉलोनाइज कर सके, ठीक है, कि हमने पहले भी तुम्हारे ऊपर, हम तो हजारों सालों से रूल करते आए हैं, हम तो तब भी तुम्हारे पास सभ्यता लेके आए थे और अब भी सभ्यता लेके आए हैं। फिर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ तब उनके बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी सभ्यता यहां से फूल फल फूल रही थी, तो आप क्या सभ्यता लेके आओगे,
हमारी सभ्यता तो इतने सालों 3300 BC से फल फूल रही थी और हाईली अर्बनाइज्ड थी, तो फिर तो यहां पे इन्वेजन का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, तो यहां पे ये चीज उन्होंने एक तरीके से भारत को रूल करने के लिए और एक रेसिस्ट थ्योरी इन्होंने बना दी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, कि इसी थ्योरी के बेसिस पे हम पूरे भारत पे कब्जा करेंगे और भारत पे रूल करेंगे। ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब जब बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट का उदय होता है 1910, 1920, 1930, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक वो इस थ्योरी को नकार देते हैं कि बिल्कुल गलत है। काउंटर एग्रीमेंट्स अभी भी क्या दिए जाते हैं, और काफी हद तक सही भी है, जेनेटिक स्टडी से भी ये सही साबित हुआ है कि भैया आर्यंस मूल निवासी हैं, वेदों को, वेद ब्रह्म की वाणी है, भगवान की वाणी है, किसी ने उनको नहीं लिखा, ठीक है, वो भगवान खुद ही स्वयं हिंदुइज्म को, हमारा सोर्स है ना वेद। तो दूसरी, तो पहली चीज तो ये है कि आर्यंस जो है वो भारत के ही मूल निवासी हैं, और इन्वेजन कुछ नहीं हुआ था, माइग्रेशन हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, इन्वेजन नहीं हुआ था, यूरोप से नहीं आए थे। अब डेफिनेटली क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये पता चला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था कि ट्रेडिंग होती थी, ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, आप भी बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं, कई कई लोग बाहर जाके बस जाते हैं, ऐसा ही उस समय हुआ होगा, बाहर से लोग आए होंगे, बस गए होंगे, ठीक है। आर्यन कोई एक समूह नहीं है, ये एक शब्द है, ऋग्वेद में ये बहुत बार यूज हुआ है, आर्यन आर्य वर्ड से लिया गया है, और आर्य का मतलब होता है अपने कुल का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं, समझ रहे हैं ना, कि जो सबसे अपने धर्म में सबसे बेस्ट, अपनी कास्ट में सबसे बेस्ट, उसको आर्य कहते हैं। इन्वेजन नहीं हुआ, यहां पे माइग्रेशन होता है, मिक्सिंग होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थ्योरी को इस तरीके से डिस्कार्ड किया गया कि आर्यंस मूल निवासी थे भारत के, ये यहीं पे ही रहते थे, और यहीं से ही, इनफैक्ट आपको बता दूं कि जब जेनेटिक स्टडी हुई पिछले साल 2018 में ही, यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट ने जेनेटिक स्टडी की, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपको पता ही है कि क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है, वहां पे इतने सारे नर कंकाल मिलते हैं, इतने सारे नर कंकाल मिलते हैं कि क्या बताएं। तो वहां पे जब एक बहुत बड़े कंकाल को खोजा गया और स्टडी करना शुरू किया, तो R1A1 ये जो डीएनए होता है, ये जो जीन होता है, ये बेसिकली क्या है कि ये वहां पे यूरोपियंस में पाया जाता है, ये हमें एबसेंट है, ये हमें है ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में है ही नहीं, इनफैक्ट इनफैक्ट हमारा ज्यादा जो डीएनए है वो तो ईरानियन से मेल खाता है, और हड़प्पन साउथ इंडियन हड़प्पन से रिलेटेड है, हड़प्पन यानी कि नॉर्थ वाले साउथ वाले से रिलेटेड है। आई होप आप चीजें, ये चीजें समझ रहे होंगे, मतलब साउथ और नॉर्थ का रिलेशन है, दोनों का डीएनए मैच करता है। इसका मतलब ये है कि भैया हमारा डीएनए ही जब यूरोप में वहां के लोगों से मैच नहीं कर रहा, तो आप किस, ये जेनेटिक स्टडीज में, हालांकि जब जेनेटिक स्टडीज होती है, बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटी, अमेरिका की, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने यह भी पाया है कि डीएनए तो मिला है और आर्यन इन्वेजन हुआ है, लेकिन जब बहुत ही सीरियस स्टडी होती है तो इनका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। तो ये चीज है, और आज भी यही प्रमाण दिए जाते हैं कि जो आर्यंस है वो बेसिकली भारत के मूल निवासी थे, ऐसा कोई इन्वेजन नहीं हुआ। जहां तक लैंग्वेजेस की बात है, लिंग्विस्टिक की बात है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन होता ही है, तो भाषा का आदान प्रदान तो होता ही होता है, ऐसा थोड़ी ना है, भाषा एक दूसरे से मिलती ही मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज, पूरी तरीके से सिमिलैरिटी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, जो यूरोप में बोला जाता था, जो यूरोप में लैंग्वेज या जो पर्शिया में लैंग्वेज बोली जाती थी, एग्जैक्टली भारत में भी वही बोली जाती हो, ऐसा तो है नहीं, कुछ सिमिलैरिटी मिली है, पूरी तरीके से सिमिलैरिटी नहीं मिली है, यहां तक के जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं वो पर्शियन और भारत के बिल्कुल अलग है, ठीक है, वहां पे जो देवी देवता है उनकी व्याख्या अलग तरीके से की गई है, हमारी अलग तरीके से की गई है, तो अगर कल्चर में सिमिलैरिटी होती तो ऐसा नहीं होता, ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आर्यंस बाहर से आए थे, तो ये काउंटर एग्रीमेंट दिए जाते हैं, काफी हद तक वैलिड है, लेकिन आज भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी बिल्कुल डिस्कार्ड हो गई है, प्रमाण नहीं है, साइंटिस्ट कुछ कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते दोस्त, अभी इतनी डेवलप साइंस नहीं है कि एक एक राज से पर्दा उठा दे, तो हमको देखना पड़ेगा, हमको वेट करना पड़ेगा कि आगे क्या हमारे लिए रखा हुआ है। साइंस अभी पूरी तरीके से इस पर कुछ नहीं कह सकता है, जेनेटिक, जैसा कि मैंने बताया, जेनेटिक स्टडीज होती रहती हैं,
और ये थ्योरी है, और आज भी यूरोपियन इसी थ्योरी को मानते हैं, क्योंकि भाई वो तो मानेंगे, वो तो क्योंकि देखिए ये थ्योरी तो उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाती है ना, कि भैया हम ही तुम्हारे यहाँ कल्चर लेके आए, हम ही तुम्हारे संस्कृत लेके आए, हम ही ने तो वेद लिखे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डोमिनेंस है एक तरीके से यूरोपियंस का, आए हो सकते हैं, नो डाउट डेफिनेटली माइग्रेशन हुआ होगा, लेकिन ये बोलना कि इन्वेड कर दिया, मार दिया सबको वॉरियर्स, ये बिल्कुल गलत। क्योंकि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जाते थे तो सबसे ज्यादा पीसफुल सिविलाइजेशन थी, क्लाइमेट शिफ्ट हुआ तो फिर वो मे बी साउथ वर्ड गए हो, मे बी क्या गए वो साउथ वर्ड फिर नॉर्थ वर्ड, वो डेफिनेटली कभी भी अगर कोई भी आपदा आती है तो इंसान पॉसिबिलिटी के लिए जाता ही है कि मुझे मेरा मतलब मैं कहाँ सबसे अच्छे तरीके से रहूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज हुई, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने ज्यादा टेक्निकलिटी में गए ही नहीं, जितना सिंपल हो सकता है मैंने रखा आपको समझाने के लिए कि ये है आर्यन इन्वेजन थ्योरी और उसके काउंटर एग्रीमेंट्स। अब अगर हम देखें तो अभी भी इस पे रिसर्च चलेंगी, ठीक है, जेनेटिक रिजल्ट्स आते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन जो भी है दोस्तों भारत के हम निवासी हैं और जो होगा अच्छा ही होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।